वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मान नहीं दूंगा। संजय सिंह को WUFI का नया अध्यक्ष चुनने के बाद भारत को ओलंपिक में मेडल दिला चुकी साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया तो सभी चौंक गए। वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मान नहीं दूंगा। तो देशवासियों को धन्यवाद। साक्षी के इस ऐलान के बाद हर जगह से सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच पहलवान योगेश्वर दत्त का भी बयान सामने आया है। पहलवान योगेश्वर ने साक्षी के संन्यास को निजी फैसला बताते हुए कहा कि कभी न कभी तो वैसे भी पहलवान को संन्यास लेना पड़ता ही। आप भी सुनिए योगेश्वर दत्त ने क्या कहा। देखिए संन्यास का फैसला सभी खिलाड़ियों का अपना निजी होता है, पर हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी भी परिस्थिति में अपना गेम से दूर होना, अपना गेम को अलविदा करना बड़ा दुखदायी होता है। कभी भी अगर वो कोई भी खिलाड़ी, आप किसी भी खिलाड़ी को उठाए देखिए, जब भी किसी खिलाड़ी ने सन्यासी घोषणा की है तो उसके लिए सबसे बुरा समय होता है, क्योंकि जीवन पूरा जीवन वो खेल को देता है, खेल की वजह से उसको जान पहचान मिलती है, लोगों का मान सम्मान, पूरे देश इतना मान सम्मान खेल को देता है, और फिर एक समय होता है कि उससे उसको अलविदा कहना पड़ता है। तो खिलाड़ी का ये खुद एक समय भी होता है और उसका निजी फैसला होता है। उससे अलग जो यौन शोषण की बात है वो कोर्ट में केस है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि भाई कोर्ट का फैसला, आपको भी इंतजार करना होगा, हमें भी करना होगा। हम तो यही बोलते हैं कि भाई कुश्ती के लिए जो भी हो अच्छा हो, कुश्ती आगे बढ़े। कुश्ती ने बुरा टाइम बहुत देख लिया है, अब हम अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े और अपने जूनियर पहलवान हैं जो हमारे, उन पर ध्यान दें और उनको विश्व चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन बनाने के लिए मैं। वहीं योगेश्वर दत्त ने संजय सिंह की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि कुश्ती संघ के चुनाव में 11 महीने का समय लगा, जिससे कुश्ती के पहलवानों को काफी नुकसान हुआ। अब नई कार्यकारिणी बनी तो उससे खिलाड़ियों को फायदा होगा। कुश्ती को नई टीम मिली है, भारतीय कुश्ती संघ में संजय सिंह अध्यक्ष बने हैं, जनरल सेक्रेटरी प्रेमचंद लोचब जो रेलवे से है वो जनरल सेक्रेटरी बने हैं, हमारे हरियाणा से देवेंद्र काद्यान है जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और ये पूरे 15 लोगों का कल लोगों के लिए चुनाव था, 15 लोगों की टीम है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि कुश्ती के क्षेत्र में जिस रफ्तार से हम पिछले 12-13 साल से आगे बढ़े हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात, ओलंपिक की, एशियन गेम्स की हो, कॉमर्स गेम्स की हो, या जूनियर लेवल के की बात हो, हर जगह हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लगातार 4 ओलंपिक में मेडल जीते हैं, पर पिछले 11 महीने से भारतीय कुश्ती और भारतीय पहलवान, भारतीय जो कुश्ती के प्रशंसक है वो बहुत बड़े टाइम से गुजरे हैं। लास्ट में 11 महीने बाद नया अध्यक्ष मिला है, नई पूरी नई टीम मिली है, तो मैं यही कहूँगा कि पहलवानों को एक रास्ता मिला है अपनी समस्याएं कहीं जाके रखने का। पिछले 11 महीने में ना तो कोई नेशनल हुआ था, ना कोई कैंप लगा है, पहलवानों को ये भी नहीं पता लगता था कि हमें कब जाना है, कब कहाँ मिलना है, यहाँ तक कि जो एडो कमेटी जो कोच भेजती थी, लेकिन बिल्कुल नहीं, एडो कमेटी में बाजवाजी थे, उनको कुश्ती में एकदम आए थे और एकदम इतना बर्डन, एयरपोर्ट पे ही पहलवानों को पता लगता था कि हमारे साथ कौन कोच है, बिना तालमेल के टीम हमारी 11 महीने से विदेश में गई है। तो अब एक रास्ता मिला है पूरी टीम को, शुभकामनाएं भारतीय कुश्ती जो आज तक के बड़े अच्छे दौर में अगर आप परफॉर्मेंस की बात कर रही है, इसको आगे हम 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भी उम्मीद करते हैं कि जो प्रदर्शन हमारा पिछले ओलंपिक 4 ओलंपिक में रहा, तो इस ओलंपिक में भी वही प्रदर्शन रहे। अभी तक हमारा एक क्वालीफाई हुआ है, अंतिम पंगाल पहलवान है 53 kg में जो लड़की है हमारी, उसने क्वालीफाई किया है, अभी क्वालीफाई अगले साल में है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 4-5 पहलवान हमारे क्वालीफाई करें और ओलंपिक में मेडल जीते। इतना नुकसान हो रहा था खिलाड़ी के लिए, क्योंकि बगैर देश के नाम के, बगैर देखिए कुश्ती जो कुश्ती की जो छवि है बड़ी ख़राब हुई है पिछले 11 महीने में, और ख़ासकर जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं वो बड़े दुखदायी, उनकी तो जांच को यौन शोषण है उसकी तो अभी कोर्ट में केस है, वो तो कोर्ट अपना फैसला देगा, अभी शायद सुनवाई चल रही है उसके बाद की चीज़ें हैं,
पर कुश्ती के लिए मैं यही बोलूँगा कि बुरा टाइम था, उसको भूल के आगे बढ़े पहलवान और मेहनत करे, क्योंकि खिलाड़ी के पास बड़ा बहुत छोटा कम टाइम होता है, बहुत कम समय होता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। एज के साथ साथ हमारी फिटनेस की बात है, और कुश्ती तो ऐसा खेल है जहाँ पर इंजरी के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे 30 साल की एज तक या 32-33 साल की एज तक हम कुश्ती कर सकते हैं, तो अपना पूरा ध्यान पहलवान जितने भी इसमें कुश्ती में ही लगाएं, और नेगेटिव वो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं वैसे नकारात्मक चीज़ें, उनसे अब निकलें और अपनी मेहनत करें। जो समस्या है वो मूवी कह देगी, फेडरेशन जो नहीं बनी है वो पहलवानों की समस्या सुनेगी, जो उनकी परेशानी होगी, चाहे बात फिजियो की हो, चाहे फॉरनर कोच की हो, चाहे डॉक्टर की हो, फोन में विदेशों में बात कैंप लगाने की बात हो, तो उन पर पूरे पहले की तरह बड़ी गंभीरता से विचार करेगी, और खिलाड़ियों को के साथ दुगनी ऊर्जा के साथ अच्छी सोच के साथ खिलाड़ी साथ काम करे। बता दें कि कल पहलवान साक्षी बजरंग और विनेश फोगाट ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान साक्षी ने कहा कि हमने लड़ाई लड़ी और पूरे दिल्ली से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह जैसा आदमी ही रहता जो उसका सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी वहाँ नहीं दिखूंगी। सभी देशवासियों का धन्यवाद जिन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बृजभूषण की जीत हुई और पहलवानों की हार। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।